हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि अब 16 साल की उम्र में ही आप ड्राइविंग लाइसेंस को बनवा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी उम्र 16 साल है, आप भी अपने घर के लोगों की तरह मोटरसाइकिल, स्कूटर और स्कूटी जैसे दो पहिया वाहन चलाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की उम्र अब 18 साल से घटाकर 16 साल करने की तैयारी कर ली है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसके लिए बहुत ही जल्दी अधिसूचना जारी कर सकते हैं। शर्त बस यही होगी कि दो पहिया वाहन 50 सीसी से अधिक नहीं होने चाहिए। इसी के साथ वाहनों की अधिकतम रफ्तार भी तय कर दी जाएगी। इस तरह की गाड़ियों की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो गाड़ियों का इंजन है वो 4 किलोवाट तक सीमित होगा। परिवहन विशेषज्ञों का कहना है कि अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य सरकारें मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियमों में बदलाव करके किशोरों का डीएल बनवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर देंगी। देश में करीब 20 लाख टीनेजर्स ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद भी अवैध तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि टीनेजर्स को जो लाइसेंस दिए जाते हैं उस लाइसेंस से 50 सीसी की एक कम क्षमता वाले वाहनों को चलाने की इजाज़त होती है, लेकिन भारत में बिना गियर वाले वाहनों को देखें तो सभी 50 सीसी से दुगनी क्षमता के होते हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय बहुत ही जल्दी 50 सीसी क्षमता वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाजार में उतारने की तैयारी कर रहा है। ये गाड़ियाँ टीनेजर्स को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी। इन गाड़ियों की अधिकतम स्पीड 70 किलोमीटर घंटा रखी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।